सभी लोग बुक में ही लिखेंगे क्योंकि बुक में जगह है, इसलिए लाइनें बनी हुई है, इसलिए बुक में ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप जब आंखें खोली तो कौन कौन सी आवाजें आई? आप यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, आप आंसर आंसर लिखते रहे क्योंकि क्वेश्चन तो आपके बुक में है। तो दो दिन नहीं लाई मैम, बुक में पेज नंबर कितना है? क्या पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 33 यानी 33। तो हम आंसर लिख रहे हैं 33। आपने कौन कौन सी आवाज सुनी या हमने कौन कौन सी आवाज सुनी आपने बंद कर दी? तो पेज नंबर कौन है? 33। जैसे हमने आवाज सुनी पंखे से चले, हम आंखें बंद करके खड़े हैं, यहाँ हमें किसी आवाज नहीं रही है, यहाँ हमें पंखे की आवाज चलने की आवाज आ रही है। बच्चों टाइम से अंदर आ जाया करिए। मैम पेज नंबर कौन सा? अगर हिला तो और देखने नहीं देता, इसके बड़े भी बाल हैं। जैसे पंखे हाय पर पंखे के चलने स्टूडेंट आई होगी आवाज। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो आप इसको नोट कर ले, खास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए लिख रहे हैं जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, वो वर्ग में जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया है उन बच्चों के लिए खास तौर से मैं लिख रही हूँ। ये काम आप कंप्लीट कर लीजिए, बच्चों ने कंप्लीट किया है। मैम बुक में लिखना है, बुक में मैम कौन सा पेज नंबर है? कौन पूछ रहा है? हम ये पूछ रहे ना, आप कौन पूछ रहे हैं पेज नंबर? अपना भी नाम बताइए, जी पता तो चले हमने इतनी बार बोला है पेज नंबर तो इसको नहीं सुनाई, ये भी पता चले। मैम पेज नंबर 33 है। लोगों के लोगों
ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट आता है इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। अब जैसे आग बंद करके हम बैठे, हमें इतनी सारी आवाजें सुनाई दी, पर इन आवाजों में सबसे ज्यादा आवाज किसकी आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा आवाज किसकी आ रही थी। तो बच्चों नेक्स्ट में है इनमें से जगह है या नहीं है, बुक में जगह दी हुई है तो बुक में ही लिखना है। ठीक है, और ये एक्टिविटी आज का पेपर नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो किसी भी दिन करा देंगे। ओके मैम प्लीज साइड। मैम प्लीज साइड। अब
लेसन ओपन कीजिए, बहादुर बित्तो, क्या है बित्तो नाम है ना, हाँ बहादुर बित्तो, एक बहादुर महिला की। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। प्राची सिंह, अरे मैम आपकी स्क्रीन, मैम आपकी स्क्रीन में आ रही है। मैम आ गई। गुड मॉर्निंग। ओके चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, बाद में कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। अब अभी पढ़ने का टाइम है, लिखने में सारा टाइम आप निकाल दोगे। अब आते हैं लेसन फाइव। ये हो गया कंप्लीट। अब आता है पांच तो ये बताइए, रानी लक्ष्मी बाई को आप जानते हैं? यस मैम। कौन यस मैम? यस मैम। मैम झांसी की रानी। झांसी की रानी थी, है ना? जी हाँ। और इसी तरह हमारे देश में या कहीं भी पूरे विश्व में महिलाएं बहुत मजबूत हैं। ऐसा लोग महिलाओं को लोग कमजोर समझते हैं, पर महिलाएं कमजोर है नहीं, है ना? जब वो अपने पे आती हैं तो वो अपना विकराल रूप भी दिखा देती हैं। मानो एक तो महिला का कौन सा रूप है, एक है देवी का रूप जिसे दुर्गा काली और अन्य, है ना, दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, और एक दूसरा रूप वो जब दुष्टों का संहार करती है तब वो कौन सा रूप धारण करती है, चंडी का रूप भी धारण करती है और दुष्टों का संहार भी करती है ना। तो महिला को कोई भी कमजोर ना समझे, है ना, ये भूल मत करे कि महिला कमजोर इसी चीज। और देखिए अहिल्या बाई, आप तो भी देख रहे होंगे, देखते हैं या नहीं देखते हैं सीधे अहिल्या बाई, इस तरह के आपको ऐतिहासिक सीरियल देखना चाहिए। अहिल्या बाई कौन थी, उन्होंने क्या किया, वो भी एक महिला थी। बेटा लिख लीजिए, बात पहले पढ़ लीजिए, वीडियो आएगा तो आप लिखते रहना, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए, जो बताया जा रहा उसको सुनिए। तो अहिल्या बाई भी देखिए, वो कितना उन्होंने शासन किया, वो इतनी इंटेलिजेंट थी, एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी और कहा वो एक शासक बन गई, है ना, उनका बहुत बहुत ब्रिलियंट गर्ल थी, बहुत मतलब आप सीरियल में देखेंगे तो आप उनको समझेंगे कि क्या थी वो, कैसे उन्होंने शासन भी कैसे उनको मिला करने के लिए, कितने कष्ट भी उन्होंने झेले थे। ऐसा नहीं कि सब हर महल में पहुंच गए तो हर कोई कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता, कष्ट महल में भी होता है, महल में रहने वालों को भी कष्ट होता है और जो नहीं रहते उनको भी कष्ट, और सुख और दुख दोनों बराबर हिस्सेदार होते हैं। अभी आप होते हैं इसलिए बच्चों कहा जाता है पुरुष ही सबसे बलवान होता है, लेकिन नहीं, इस लेसन में
इस लेसन में एक महिला को अधिक बलवान यानी कि हिम्मत वाला बताया गया है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि क्या है इस लेसन में कि बहादुर कितो है पुरुष को देखिए इसमें कैसा दिखाया है, बिल्कुल डरपोक सा दिखाया है, है कि वो जानवरों से ही डर गया और उसकी पत्नी जो होती है वो कितनी बहादुर होती है, बड़ी बहादुरता के साथ बड़े बड़े शेर और इसको भगा दिया था, शेर को भी भगा दिया था। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस कहानी पे बच्चों। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था कित्तो। किसान रहता है तो उसकी बीवी का नाम रहता है यानी उसकी पत्नी का नाम रहता है कित्तो। नाम जिसको जो पसंद आता है वो अपने बच्चे का नाम रखता है, तो उसके पेरेंट्स को शायद यही नाम अच्छा लगा होगा कित्तो, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम कित्तो रख दिया। अब वो जब किसी की पत्नी बनी तो वही नाम चलता है ना, वो किसान की पत्नी का नाम क्या था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, किसान जो है वो अपनी पत्नी से कहता है, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, वो अपनी पत्नी से शाम को घर में आकर के बता रहा है कि सुनो आज जब मैं सुबह खेत में हल चला रहा था, खेत में हल से क्या होता है, खेत में खेत को हल से जोता जाता है, जो अब ज्यादा नहीं दिखाई देते, अब ट्रैक्टर से जुताई ज्यादा होती है, इससे हल ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते है ना। वो हल से कह रहा है कि जब मैं सुबह हल से खेत को जोत रहा था तो एक शेर आया और उसने मुझसे कहा, क्या कहा, चलिए देखते हैं क्या कहा। किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या कहता है कि उसने कहा कि शेर ने कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे। शेर तो शेर की गर्जना तो देखी आपने कितनी भयंकर होती है ना। तो उसने किसान को डरा दिया और कहा अपना बैल मुझे दे खाने को, नहीं तो मैं वरना मैं तुझे खाई जाऊंगा अगर तूने बैल नहीं दिया। बित्तू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि अगर जब शेर ने ऐसे कहा था तो तुमने क्या जवाब दिया, अब अपना जवाब दिया। तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। उसने अपनी गाय के लिए क्यों कहा, किसान ने, बैल तो उसके पास में था, उसने ये क्यों कहा कि मैं घर जाकर गाय लेकर के आता हूं। फोन बजने लगा, बताइए बच्चों। क्यों कहा उसने, ये क्यों सोचा कि मैं अपनी गाय को लाकर के तुम्हें देता हूं, बैल को रहने दो। उसने यही मन में सोचा, तभी तो उसने कहा तुम थोड़ा रुको मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। क्यों कहा होगा बच्चों बताइए, तो सोचिए समृद्धि। उसके पास क्योंकि भैंस के पीछे वो हल बांध के पूरे खेत में चलाता होगा। या गुड, उसने यही सोचा कि बैल हमारे पास रहेंगे तो मैं खेती करूंगा, अन्न उपजाऊंगा, अपने परिवार को पालूंगा, है ना। पालन पोषण वो किससे करता अगर अपने बैल को दे देता खाने के लिए। इसलिए उसने सोचा अन्न के बिना हम
अपने बच्चों को कैसे रख पाएंगे, दूध के बिना तो रह सकते हैं पर अन्न के बिना कितने दिन जी पाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि मैं अभी तुम्हें अपने घर से घर जाकर के गाय लेकर आता हूँ, तुम इसको खा लेंगे। आगे देखते, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे, वही चीज ही ना जो हमने अभी आपको बताया, मैंने इसमें आगे देखा नहीं लेकिन बात वही थी। ये सुनकर बित्तों को बहुत गुस्सा आया आया है ना, ये सुनकर के बित्तों को बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ? अच्छा बच्चों, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, ये बहुत अपडेट मांग रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसके आगे ट्यूजडे को मिलते हैं, तो पतंग भी बनाएंगे, पहले पतंग बनाएंगे फिर इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो कभी बाय बच्चों, आप लोग भी पतंग बना के रखिएगा। बाय मैम, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय मैम, बाय मैम।